कैसे हैं आप सब। टाइटल ऑफ ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। गाइस, आप और आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स यानी कि गुप्त भावनाएं और गहरी भावनाएं यानी कि डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। आज इसी पर रीडिंग कर रही है, यानी कि यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ मैं, है ना। सीक्रेट फीलिंग्स जो आपके मन के अंदर दबी हुई है वो तो आपको पता है, पर आपको नहीं मालूम कि आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। चुप चुप के वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए कैसे जज्बात है ना। हो सकता है कि वो आपको बता नहीं पा रहे, तो आपकी जो सीक्रेट फीलिंग है वो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि रीडिंग रेजोनेट करने में आपको आसानी हो। अगर आपकी फीलिंग्स मैच होती है तो डेफिनेटली आपके पर्सन की फीलिंग्स मैच होने का ना होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो इसी वजह से आज सीक्रेट फीलिंग्स और डीप फीलिंग्स गहरी भावनाएं, इन पर आज हम रीडिंग करेंगे, यू वर्सेस देम की रीडिंग, ठीक है। तो पाइल पर मैंने रखे हैं अल्फाबेट्स और साथ में रिंग भी है यहाँ पर। जिन्हें अल्फाबेट नहीं पसंद वो रिंग सेलेक्ट कर लीजिए। और रीडिंग देखने से पहले आपको मैं एक बात, एक जानकारी फिर से करवा दूं गाइस कि ये जनरल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग ये नहीं होती है गाइस, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज होती है, तो कुछ लोगों के ही एनर्जीज मैच होती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। दूसरी बात, ये सिंगल के लिए या फिर मैरिड के लिए, सभी के लिए रेगुलर रीडिंग्स होती है गाइस, ठीक है। आप मैरिड हो अनमैरिड हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें जानकारी में दे दी है मैंने। चलिए अब स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। इससे पहले आपको पाइल सिलेक्शन के लिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ। पाइल नंबर वन में है ABDKFH MPO SV X और Y। ये है पाइल नंबर वन। आपको अपने पार्टनर का नाम का पहला अक्षर सेलेक्ट करना है गाइस। रिपीट करती हूँ, ABDKFH MPO SV X और Y। और इसमें है छोटू सा रिंग, फिंगर रिंग है रेड कलर का, ठीक है। और ये है पाइल नंबर टू, CEGILJQNRUTW और Z, CEGILJQNRUTW और Z। और इसमें है एक दूसरा रिंग, व्हाइट कलर का रिंग है गाइस, ठीक है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और अपने पाइल को फटाफट से कर लीजिए सेलेक्ट गाइस, ठीक है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम रीडिंग देखते हैं। तो गाइज, आई होप आपने अपना पाइल सिलेक्शन कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन की रीडिंग से। ये है पाइल नंबर वन, जिन्होंने सेलेक्ट किया है विद दिस रेड रिंग। सबसे पहले आपकी सीक्रेट फीलिंग्स और डीप फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद दूसरी रीडिंग हम आपके पोर्शन की करेंगे, ठीक है गाइज। आप इस इंसान को लेकर, इस पोर्शन को लेकर कैसा फील करते हो? आपके मन में छुपी हुई भावनाएं, गुप्त भावनाएं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो, है ना। यहाँ तक कि आप अपने पोर्शन के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे हो, वो भावनाएं क्या है, चलिए देखते हैं। सिक्स ऑफ पैंटिकल्स, पहला ही कार्ड सिक्स ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड आया है। तो पाइल नंबर वन, आप जो भी होना, ये आप बराबरी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा यकीन करने वाले इंसान हो, है ना। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ में बराबरी नहीं हुई है इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आप अधूरे से अपने आप को महसूस करते हो, क्योंकि जितना आपने दिया है शायद उतना आपको इस इंसान के जरिए या इस रिलेशनशिप में मिला नहीं है, जो कि आपका हक था। तो आपको लगता है कि मेरा हक छीना गया है, मेरा हक मारा गया है, है ना। मुझे वो प्यार, वो सम्मान, वो कमिटमेंट, रिलेशनशिप कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसी भावना आपके सीक्रेट फीलिंग्स में नजर आई है। सेवन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहां से मैं तीन कार्ड्स और निकालूंगी गाइस। थ्री
थ्री ऑफ वैंड्स कई लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नजर आता है, तो कुछ लोगों के पोर्शन यहाँ पर बहुत ही ठंडा गर्म टाइप का मिजाज दिखा रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, आना जाना इन एंड आउट, या फिर इस तरीके की सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में होती हो है ऐसा नजर आता है गाइस। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस का केस हो सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी दूसरे शहर में रहते हैं, या किसी दूसरे गांव में रहते हैं, या किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं। आप दोनों के बीच में शारीरिक दूरी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है गाइस, फिजिकल डिस्टेंस हम बोलते हैं ना जिसे, वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, और बॉटम ऑफ द डेक में आपकी एनर्जी है हैंग मैन की। ऊ लाला, ये क्या हाल बना रखा है। तो चलिए अब इस डेक से भी मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं एनर्जीज कितनी सिमिलर निकल कर आती है या क्या निकल कर आता है। जो भी हो, आप लव पर बहुत भरोसा करने वाले इंसान हो, किस्मत पर आप बहुत भरोसा करते हो, ये तो नजर आ चुका है गाइस। भाग्य, किस्मत, समय, साइकिल, इन सारी चीजों पर यकीन करते हो आप, और ये एक अच्छी बात है ना। भरोसा है आपको, ट्रस्ट है आपको कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, समय बदलेगा। फोर ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, जिससे आप डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट है, सोलमेट का कनेक्शन निकल कर आया है यहाँ पर गाइस। ओ माय गॉड, बिंगो कार्ड निकल कर आया है, एक और कार्ड तो बनता है गाइस। एक कार्ड और निकालेंगे यहां से, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कूल। और यहां से जो है बॉटम ऑफ द डेक में निकल कर आया है आपकी एनर्जी एट ऑफ वैंड्स की, जो ओवरऑल एनर्जी है इस रीडिंग की। तो यहाँ पर आज मैं आपको साइन और एलिमेंट नहीं बता रही, जब आपके पार्टनर की रीडिंग करूंगी वहां पर मैं आपको साइन और एलिमेंट बताऊंगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं कि आपकी सीक्रेट भावनाओं में क्या क्या चीजें छुपी हुई है ना, गहराई में, आपके मन की गहराई में क्या है इस इंसान को लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर। तो जब टू ऑफ कप्स को देख लिया मैंने, जब एम्प्रेस जैसे कार्ड को मैंने देख लिया, तो इन दोनों कार्ड्स को देखकर मैं ये दावे के साथ आपसे कह दूंगा गाइस कि आपकी भावनाओं में इस इंसान के अलावा और कुछ है ही नहीं। आपने तो ना सिर्फ अपने आप को, यू नो, अपने दिल, अपने दिमाग, अपने शरीर, अपने, यानी कि आपने इस इंसान को कई जन्मों के लिए बुकिंग कर दी है, ऐसा लगता है देखकर कि आप इनके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, है ना। आपको लगता है कि आपकी किस्मत जो है इस इंसान के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये इंसान आपके पोर्शन अगर आपकी ज़िंदगी में आएगी तभी आपकी ज़िंदगी में लक होगा, है ना, वरना आपकी ज़िंदगी में कभी कोई खुशियाँ नहीं होगी, किस्मत आपकी अच्छी नहीं रहेगी, है ना। आपने इनको अपना जीवन साथी मान लिया है, यानी कि तन मन और धन से आप इनके ऊपर टोटली समर्पित आपने अपने आप को कर दिया है। तो इतना ज़्यादा प्यार है आपके मन में इस इंसान के लिए जिसे आप अपना सोलमेट मान रहे हो, जिसे आप अपना सब कुछ मान रहे हो, यानी कि इनके अलावा आपको कुछ और दिखाई देता ही नहीं, आपको कुछ और नज़र आता ही नहीं है, ठीक है। इतना गहरा आप दोनों का कनेक्शन है, इतना गहरा आप दोनों का प्यार है। तो टू ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में आ गया, तो डेफिनेटली ये जो है मिररिंग वाली एनर्जी होगी, यानी कि आपके पोर्शन और आपकी फीलिंग्स बिल्कुल एक जैसे ही होने को है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऊपर वाले के कनेक्शन में हो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले एक बात बता दूं कि इस तरफ आ गया है एट ऑफ वैंड्स और दूसरे डेक में है हैंगमैन का कार्ड, है ना। तो ये दोनों ही कार्ड्स को देखकर एक बात तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत परेशान हो
और इस परेशानी की वजह है कि आप अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप दोनों के बीच में बातचीत का दायरा बहुत सिमट सा गया है, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की दूरी आ गई है, आप दोनों के बीच में फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हो रहे, यानी कि आदान प्रदान नहीं हो रहे, आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है और वो गैप है बातचीत को लेकर। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके परेशानी की वजह बिल्कुल एट ऑफ वैंड्स है। आपको देखिए बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक जो है कप्स की ही एनर्जी निकल कर आई है। क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर टेन ऑफ कप्स है ना। तो इस इंसान को आप भूल ही नहीं पा रहे हो, जिंदगी में जैसे अटक से गए हो, रुक से गए हो, है ना। दिमाग काम नहीं करता, पर फिर भी कहीं ना कहीं उजाला आपको नजर आता है कि एक ना एक दिन मेरे को इस सिचुएशन से जो है मुक्ति मिल जाएगी, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी रुकी हुई नहीं होगी, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी भावनाओं की भी कदर मेरा पर्सन करेगा। तो इस उम्मीद में आप अभी जो है एकदम इनके लिए ही रुके हुए नजर आते हो, और इस परेशानी की वजह बिल्कुल यही है कि आप दोनों के बीच में दीवारें बहुत सारी है। आप दोनों के बीच में जो है बिल्कुल भी अगर बातचीत, आपको लगता है ना कि एक बार कांटेक्ट हो जाए, एक बार इनका कॉल आ जाए, या आप सिर्फ एक बार मैसेज कर ले, मुझे एक बार अनब्लॉक कर दे, तो मेरी परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाएगी, आपको ना एक जीने का सहारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने आप को इनके तरफ जो है इमोशनली डिपेंडेंट आपने कर रखा है, ऐसा महसूस होता है गाइज। देखिये आपको बहुत ज्यादा इग्नोर भी किया जा रहा है, जिसका दर्द आपके मन में मुझे नजर आता है। यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स आया है जो बता रहा है कि आपने अपनी तरफ से कोशिशें की है ना, आपने इस इंसान को कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपने किसी के जरिए इनको मैसेजेस भेजे हैं, या फिर खुद आपने अपने आप से ही मैसेजेस भेजे हैं, कॉल कर रहे हो, पर आपको इन सारी चीजों के बदले में ना मिल रहा है बहुत बड़ा इग्नोरेंस, यानी कि आपको जो है इग्नोर किया जा रहा है, आपको जो है अपने से दूर किया जा रहा है, और इन सारी चीजों की वजह से आप और भी ज्यादा परेशानी का शिकार हो रहे हो गाइज। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आया है और ये कार्ड देकर मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ आपके सीक्रेट फीलिंग्स में, आपके डीप फीलिंग्स में यही है कि चलो आज तक तो इस इंसान ने मेरी कदर नहीं की, मुझे कमिटमेंट नहीं दिया, मुझे क्लैरिटी नहीं दी, है ना। मैंने हमेशा रिलेशनशिप में इनके साथ सच्चा प्यार किया है, मैंने अपना सारा चीज इनका इन पर कुर्बान कर दिया है, पर इन्होंने मुझे कभी वो खुशियां नहीं दी जिसकी मैं हकदार थी या फिर हकदार था। तो पर फिर भी देखिए एक उम्मीद नजर आती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पार्टनर इसी तरीके से कमिटमेंट लेकर इक्वल रिलेशनशिप का ऑफर लेकर आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे, और वो दिन डेफिनेटली आएगा। मैंने आपसे कहा ना कि आप भाग्य पर बहुत ज्यादा बिलीव करने वाले इंसान हो, है ना, आप समय पर बहुत ज्यादा बिलीव करने वाली इंसान हो, आपने कई चीजें वक्त के लिए छोड़ रखा है कि एक दिन मेरी जिंदगी में डेफिनेटली खुशियां आएंगी ही आएंगी। इस इंसान को लेकर आपने बहुत सारे सपने संजोए हैं गाइस। यहाँ पर थ्री ऑफ वैंड्स आया है जो बेसब्री से इस इंतजार को दिखाता है कि आप कितने हद तक जो है चाहे मजबूरियां आ जाए, चाहे तकलीफें आ जाए, चाहे आपको रिलेशनशिप के ऑफर्स आ जाए, मैरिज के ऑफर्स आ जाए, पर आप अपने इस दृढ़ निश्चय से ना टस से मस नहीं हो रहे हो। आपने संकल्प कर लिया है कि मुझे बस इन्हीं का इंतजार करना है जिसे मैंने अपना जीवन साथी मान लिया है ना। तो उन्हीं के इंतजार में आप हो, और ये भी नजर आता है कि सपने बहुत है आपके इस इंसान को लेकर, है ना। मैरिज तक के सपने हैं, बाल बच्चे तक के सपने हैं, और ये सारे वादे शायद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी किए भी थे, ठीक है। तो उन्हीं वादों का, उन्हीं सपनों का पूरा होने का इंतजार आप यहाँ पर करते हुए मुझे नजर आए हो पाइल नंबर वन। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की हार भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स आया है जो पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहली बार प्यार किया, पहली बार शिद्दत से किसी को अपना दिल दिया, किसी को अपना माना, और उसी के साथ जो है रिश्ता मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, हमारी हार हो गई। पर देखिए कितनी अच्छी बात है आपकी सीक्रेट फीलिंग्स में कि अभी भी आप जानते हो कि जीत आपकी ही होगी, है ना, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है ना, और आपको कोई हरा नहीं सकता। अभी जो समय है वो पल भरों का समय है ना। आपको अपने प्यार पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है गाइज, ये तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि आपका प्यार ट्रू है, आपका प्यार बहुत साफ है ना, साफ सुथरा प्यार है। आपने इनको सिर्फ प्यार दिया है और इनसे प्यार लिया है गाइस, है ना। तो अभी भी भरोसा है, उम्मीद है कि जीत हासिल होगी, इस इंसान के साथ घर बसेगा, इस इंसान के साथ जो है ये बहुत ज्यादा प्यार वाला सुंदर संसार आपका बनेगा, है ना। रुकावटें अभी है, पर इन रुकावटों को लेकर आप बिल्कुल भी तकलीफ में तो हो, परेशानी में तो हो, पर फिर भी आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। सबसे पॉजिटिव चीज यहाँ पर आपके रीडिंग में यही नजर आती है, आप जानते हो कि जैसे ही इंसान
इंसान आपकी जिंदगी में आया है ना, और वैसे ही निकल गया, पर आप जानते हो कि एक दिन ये इंसान आपके पास दोबारा वापस आएगा। यानी कि उम्मीदों से भरा हुआ रीडिंग है आपका पाइल नंबर वन। आपने इस इंसान को लेकर गिव अप नहीं किया है ना, इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय, इतना ज्यादा यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना आप में, इस बात को तो दाद देनी पड़ेगी पाइल नंबर वन है ना, कि देखिए कितना आप उम्मीद रख रहे हो कि ये ट्रैवल करेंगे, ये आपको कांटेक्ट करेंगे, ये आपके साथ बातचीत करेंगे, ये आपको मिलने आएंगे, और इसी का इंतजार शायद आप यहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि आप इस इंसान को भूल नहीं सकते है ना। इस इंसान के एक मैसेज के लिए आप जो है इंतजार कर रहे हो, एक कॉल के लिए आप इंतजार कर रहे हो, और इन ब्लॉकेजेस के हटने का इंतजार में आप यहाँ पर मुझे नजर आते हो। कई लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो साइकिल है, जो दर्द का और तकलीफों का जो सफर है, वो एक ना एक दिन खत्म होगा, आप दोनों के बीच में सारी चीजें पॉजिटिव वे में ठीक हो जाएंगी है ना। आज वक्त बुरा है, कल ऐसा नहीं रहने वाला है, तो बिल्कुल गाइज इसी उम्मीद में रहो, इसी कॉन्फिडेंस में रहो, ठीक है। भले ही जिंदगी ने आपको बहुत सारे गम दिए हो, आज आपको ऐसे कंडीशन पर लाकर छोड़ दिया जहां पर आप अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, जिंदगी आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, क्योंकि देखिए आप इनसे इतना शिद्दत से प्यार करते हो, प्यार ही प्यार की एनर्जी है गाइज है ना। आपका प्यार रत्ती भर भी आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं थी, आपने इस इंसान को दिल और जान से प्यार किया है, आपने और कुछ चीज इनसे मांगा ही नहीं है, है ना। आपको लगता है कि यही इंसान है, आपका लक है, आपकी तकदीर है, आपका किस्मत है, और आपकी किस्मत कोई आपसे नहीं छीन सकता। तो इस कदर जो है चाहत में हो आप इस इंसान की पूरी एनर्जीज में आप डूबे हुए हो गाइस। इस इंसान के बारे में ही सोचना, इस इंसान ने चाहे आपके साथ बुरा किया हो, कुछ भी किया हो गाइज, आप इनका इनका बुरा कभी नहीं सोचते, हमेशा इनके लिए आप प्रेयर्स ही करते हो कि इनकी लाइफ में बरकत हो, इनकी लाइफ में अच्छा हो है ना, इनको कभी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़े। तो कोई सच्चा प्यार करने वाला ही इस तरीके से अपने पार्टनर के लिए सोच सकता है या ऊपर वाले से मांग सकता है, वरना कई लोग हम लोग ऐसे होते हैं जो धोखा पाने के बाद हम लोग जो है ये ऊपर वाले से विनती करते हैं कि इनकी जिंदगी में ना इनको नरक मिले, इनको इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, इनकी जिंदगी तबाह हो जाए, जैसा कि इन्होंने हमारा किया है। पर आप वैसे इंसान नहीं हो गाइस, अच्छा लगा देखकर कि आपके मन में बहुत प्यार है इस इंसान के लिए, हालांकि दूरी अभी बहुत ज्यादा है। तो ये तो रही डीप फीलिंग्स और करेंट फीलिंग्स जो मुझे आपकी भावनाओं में नजर आई है। आप इन्हें स्टॉक भी बहुत ज्यादा करते हो है ना, इनके प्रोफाइल्स को देखना, इनके कॉल्स का इंतजार करना, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रही है, दोस्तों के साथ पूछताछ करना, ये जैसे कि ये आपका एक रूटीन लाइफ बन गया है, दिनचर्या जिसे हम कहते हैं ना, कि एक ना एक बार इनको दिन में देखना ही है, इनके बारे में सोचना ही है, इनके बारे में जानकारियाँ लेनी ही है। तो स्टॉकिंग भी आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा इनके मैसेजेस का आप वेट कर रहे हो गाइज। मुझे आपकी सीक्रेट फीलिंग और डीप फीलिंग में यही नज़र आई है। आप कमेंट करके बताना कि ये जो भावनाएं मैंने बताई है, क्या ये आपकी सीक्रेट फीलिंग्स है, क्या यही चीज छुपी हुई है आपके दिल के अंदर। अगर आपकी भावनाएं यहाँ पर मैच हुई है गाइस, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या आपके पार्टनर की भावनाएं भी ऐसे ही कुछ निकल कर आएंगी जैसा आप इनके लिए फील करते हो है ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स और डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आप जिसे अपना सोलमेट मानते हो, जिसे अपने दिल की धड़कनें मानते हो, क्या उनकी फीलिंग्स में भी आपके लिए यही जज्बात है। टावर, फोर ऑफ सोर्स, स्टाफ,
आपकी एनर्जी नाइन ऑफ पेंटिकल्स की आई है, पाइल नंबर वन, दो कार्ड्स और यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको। एक बात तो आप मान लो कि इस इंसान की जिंदगी में मुसीबतें जैसे थम नहीं रही है, ठीक है, टावर मूवमेंट चल रहा है इनकी जिंदगी में। एक तो आपके साथ रिश्ता टूट गया, दूसरा इनकी जिंदगी, खुद की जिंदगी में, खुद खुद के रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा दरार आई हुई है। हो सकता है कि परिवार में कुछ हो रखा है, कैरियर में कुछ ऊंच नीच हो रखी है, किसी की डेथ हो गई या हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स है, यानी कि कुछ टावर मोमेंट इनकी ज़िंदगी में अभी भी चल रहा है गाइस। और सबसे बड़ा सदमा जो लगा है वो आपके साथ ब्रेकअप का ही सदमा लगा है टावर, ठीक है। इनकी एनर्जीज में, सीक्रेट फीलिंग्स में आपकी एनर्जी का निकल कर आना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एट ऑफ कप्स आया है, टू ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए गाइस क्या निकल कर आया है, टेन ऑफ कप्स। वाओ, चलिए अब यहां से भी निकालेंगे तीन कार्ड्स और आपको डिटेल में देते हैं इनकी डील। थ्री ऑफ सोर्ड्स, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लू हासिल, लगी है यही धुन। वाओ, एक कार्ड और निकालेंगे गाइस। बिल्कुल, फोर ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी आया, फोर ऑफ सोर्ड्स वहां भी आया और बॉटम ऑफ द डेक में जो है जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके पोर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स और डीप फीलिंग्स में आपके लिए क्या क्या चीजें छुपी हुई है, यानी कि राज की बातें क्या क्या है ना। उससे पहले साइन और एलिमेंट पर आते हैं, तो जैसा कि आपको भी नजर आ रहा होगा चारों तरफ तलवार ही तलवार है गाइज। एयर साइन सबसे ज्यादा निकल कर आई है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। अब जो है दो तीन मेजर मेजर साइन यहाँ पर आए हैं, उसके बारे में पहले बताती हूँ। एक्वेरियस स्ट्रांग है, लियो की एनर्जी स्ट्रांग है और लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है, यानी कि मेजर अरकाना से तीन बड़े कार्ड निकल कर आए हैं, ठीक है। उसके अलावा एयर साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर नजर आया है वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अर्थ साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। तो ये रहे साइन और एलिमेंट, ठीक है। अब बताते हैं कि चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या है इनके सीक्रेट फीलिंग्स में। देखिए गाइस, इस इंसान के साथ आपका तो टावर आकर गुजर चुका है ना, यानी कि पास्ट की बातों में टावर है। रिलेशनशिप टूटा है, रिलेशनशिप बिखरा है, दोनों का भरोसा टूटा है, दोनों का जो है रिश्ता जो है तार तार हो गया, चकनाचूर हो गया, जो भी हुआ रिलेशनशिप में अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। पास्ट आप दोनों का बहुत बुरा रहा है। जो इंसान आपको अपना जीवन साथी मानता है, देखिए यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपसे ज़्यादा खूबसूरत इनके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड इनके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है, आपसे अच्छा जीवन साथी इन्हें कोई नहीं मिल सकता है ना। आप बहुत खूबसूरत हो, आप घर संभाल सकते हो, आप इनकी ज़िंदगी संभाल सकते हो, आप इनका परिवार संभाल सकते हो, यहाँ तक कि आप इनका बिजनेस और इनके कैरियर में भी इनकी मदद कर सकते हो, क्योंकि ये आपको इतना ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं, यानी कि इतना प्यार, इतना परफेक्ट सोचने वाला इंसान जो आपको ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स जैसा समझता है ना, कि ये इंसान मेरी जिंदगी में होना चाहिए। तो जब आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप थी ना, तो इस इंसान का मकसद आपके साथ ये घर बसाना ही था, ये बात आप मान लो, है ना, कि इस इंसान ने आपके साथ यू नो वहां तक के दावे किए होंगे कि हमें जो है एक दूसरे के साथ जिंदगी बितानी है, तुम्हें मेरी वाइफ बननी है, तुम्हें मेरा हस्बैंड बनना है। तो इस तरीके का कमिटमेंट आप दोनों के बीच में, यहाँ तक के वादे आप दोनों के बीच में हुए, और इन्होंने आपके अलावा शायद किसी के बारे में उस वक्त सोचा नहीं था, है ना, क्योंकि इनको आप इतने ज्यादा अच्छे लगते थे, ऑल
राउंडर जिसे हम कहते हैं ना, कि सभी एंगल से आप परफेक्ट हो, तो इतना प्यार होते हुए है ना इस इंसान और आपके बीच में टावर क्यों आ गया? टावर आ गया, टावर आने के बाद में यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स, आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों अभी साथ नहीं हो, आप दोनों अभी जुदा हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में निकल कर आई है ये रीडिंग, और इसके पीछे मैं आपको एक बात खुले तौर पर दावे के साथ कह दूँ, थ्री ऑफ सोर्स यानी कि आपके दिल पर तलवारें चलाई गई है, और ये जो तलवार चलाकर आपके दिल को छलनी किया गया है ना, उसके पीछे किसी और का मकसद रहा है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट रहा है, कोई है आप दोनों की रिलेशनशिप के दरमियाँ जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों का रिश्ता इस टावर की तरह मजबूत रहे, है ना। कई लोगों ने कोशिशें की है आप दोनों को हिलाने की, आप दोनों को गिराने की, आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की, और मुझे लगता है कि 90% केसेस में वो लोग सफल हो भी गए, और आप दोनों के बीच में अभी ब्रेकअप चल रहा है। तो आपके पोर्शन की सीक्रेट फीलिंग्स में देखिए, मुझे यहाँ पर ये नज़र आया है कि ये इंसान अभी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं हो पा रहा, यानी कि अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो इस इंसान को किसी और के साथ रिलेशनशिप में अभी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। ये अपने आप में है, भले ही वो आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, भले ही वो आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे, भले ही वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे, पर इनके माइंड में, इनकी इस सुनी जिंदगी में, खाली जिंदगी में भी अभी कोई और नहीं है। ये आपको ही याद कर रहे हैं, ये आपको ही सोचते हैं, इनको इनकी फीलिंग्स में, सीक्रेट फीलिंग्स में अभी भी आप उसी जगह पर हो जहां पर कल थे, यानी कि आप इनके जीवन साथी हो, आप ही इनके लिए बने गए हो, आप में वो जो चीजें हैं वो इनको किसी और के द्वारा नहीं मिल सकती। तो कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ना गाइस, कि एक बंदा या बंदी मुझे यहाँ नजर आ रहा है जो आपसे दूर होकर भी आपकी यादों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, जो आपसे अलग होकर भी आपको ही मांग रहा है, मांग रहा है। मैंने क्यों कहा कि ये आपको मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार का कार्ड आ गया, बिल्कुल आपके एनर्जी के बगल में आया है और टावर के नीचे आया है, यानी कि इस इंसान के सीक्रेट फीलिंग से मुझे दो चीजें नजर आई है। पहली चीज, आप दोनों के बीच में ये जो टावर चल रहा है, ये टावर मूवमेंट खत्म हो जाए, आप दोनों का रिश्ता जो है फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाए। पहली नंबर विश की ये है, ठीक है, पहला विश इनका ये है। दूसरा विषय आपको लेकर कि ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, तो इनकी विश में दो चीजें शामिल है, और ये दोनों विशेष ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो है आपसे ही सेटिस्फैक्शन मिलती है, इनकी जरूरतें आपसे ही पूरी होती है, आपने इनकी बहुत मदद भी की है, ये नजर आता है गाइस, है ना। आपने इन्हें सिर्फ इमोशनली सहारा नहीं दिया है, बल्कि आपने इनकी हर तरफ से आपने इनकी मदद की है, ठीक है, आपने इनको, आप इनकी एक स्ट्रेंथ बने हो, आप इनकी एक ताकत बनकर इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो। तो आपके साथ रिश्ता और इस रिश्ते में जो है, इस टूटे हुए रिश्ते को बनाना और आपको पाना और आपको पाकर जो है आपके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीना, यही जो है बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रही है, यानी कि 10 of cups, ठीक है, आपके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं गाइस। पर यहाँ पर आपके पोर्शन, अब आप ये मुझसे सवाल करोगे है ना कि इतना प्यार है भाई, इतना प्यार है तो क्यों कांटेक्ट नहीं करते, ब्लॉक क्यों कर रखा है, बातचीत क्यों नहीं करते, है ना। तो आपको क्या यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी नहीं नजर आती गाइस, है ना, आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड नजर नहीं आता गाइस। आपको ये सोचना है कि इंसान कभी कभी चाहत के होते हुए भी, है ना, अपनी मजबूरियों में इतना ज़्यादा खोया हुआ होता है, इतना ज़्यादा डूबा हुआ होता है, उस इंसान को ना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। तो वही प्रॉब्लम्स, वही समस्याएं यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स के रूप में निकल कर आई है, यानी कि अभी भी कन्फ्यूजन है इस इंसान को। और एक बात तो मैंने आपसे कह ही दिया है शुरुआत में ही, जब टावर का को देखा मैंने, तो मैंने आपको बता दिया था कि इस इंसान की ज़िंदगी में अभी भी प्रॉब्लम्स का जैसे उफान आया है, तूफान आया है गाइज। इस इंसान की ज़िंदगी उतनी आसान तो नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है, या तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, या फैमिली इश्यूज चल रही है, या फाइनेंशियल इश्यूज चल रही है, कुछ ना कुछ टावर इस इंसान की जिंदगी में चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान ना बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल बिखर सा गया है गाइज, क्योंकि इन्हें जो चाहिए वो इनको मिल नहीं पा रहा है ना, जहां पर ये जाना चाहते हैं उसे वो पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस इंसान को प्रॉब्लम है, इस इंसान को कंफ्यूजन है। इन्होंने आपको खो तो दिया, इन्होंने आपको अपने से दूर तो कर दिया, पर ये बहुत ज्यादा मायूसी में मुझे नजर आए है गाइज, जो है इनकी डीप और सीक्रेट फीलिंग्स में शामिल, ठीक है। देखिए गाइज, यहाँ पर स्ट्रेंथ का जो कार्ड आया है, ये कार्ड बता रहा है, आसानी से बता रहा है कि इस इंसान ने ना हिम्मत भी नहीं दिखाई, है ना। जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आप इनके मोहताज हो गए थे, जब आप इनके, क्योंकि आपके एनर्जीज में मुझे नजर आया ना कि आप कितने बुरी तरीके से इस इंसान के साथ कनेक्टेड हो, है ना, आप चाहकर भी इन्हें नहीं भूल पा रहे हो, और इतना ज्यादा आप जब इन पर डिपेंड हो गए हो, है ना, और उसी वक्त
जब सबसे ज्यादा आपका सपोर्ट इनको चाहिए था, सहारा चाहिए था, है ना, उसी वक्त इस इंसान ने जो है आपका साथ नहीं दिया, हिम्मत ये इंसान खो गया, है ना। इस इंसान ने कोई भी ताकत नहीं दिखाई, कोई भी ऐसा कदम नहीं बढ़ाया जो ये आपको पा सके, है ना। इसके बदले में इन्होंने क्या कर दिया, इसके बदले में इन्होंने आपको अपने से दूर ही कर दिया, और ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी भी हुई है। पर ये इंसान देखिए, ये फ्यूचर में जो है स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है, लियो की एनर्जी, है ना, यानी कि शेर की एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर ये इंसान चाहता है गाइस कि हिम्मत करे, ये इंसान चाहता है हिम्मत करके जो है अपने प्रॉब्लम से निकले, इस कंफ्यूजन से निकले, आपको अपना बनाए, क्योंकि आप ही इनके लिए वो सबसे अच्छी गिफ्ट हो, वो सबसे अच्छा उपहार हो, वो सबसे अच्छा तोहफा हो जो ऊपर वाले ने इनको दिया है। पर ये इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही हिम्मत ना दिखा पाने की वजह से, है ना, दूसरों के सामने झुक जाने की वजह से गाइज ये इंसान, इस इंसान ने आपको खो दिया है, जिसका इस इंसान को बहुत अफसोस भी है। देखिए ये इंसान हिम्मत करना चाहता है गाइज, इनकी डीप फीलिंग्स में यही है कि जल्द से जल्द ये इंसान जो है आपके साथ, है ना, एक रिश्ता बनाए, आपको एक कमिटमेंट दे, आपके साथ जिंदगी बिताए, क्योंकि ये आपको अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आपसे ज्यादा प्यारी इंसान आपको करता है ना, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे नजर आ चुका है कि प्यार आपका ज्यादा है। जी हाँ, आपका पलड़ा भारी है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर इस इंसान का प्यार आपसे ज्यादा होता गाइज, तो यहाँ पर ये टू ऑफ सोर्ड्स नहीं आना चाहिए था। यानी कि प्यार के आगे कोई दीवार नहीं होती, प्यार के आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। आप इस इंसान के लिए पूरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो, पर आपका वही जो पोर्सन है ना, अभी भी यहाँ पर शक कर रहा है, अभी भी यहाँ पर कंफ्यूजन में है, अभी भी सोच रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है, मैं कैसे कदम बढ़ाऊं। एक तरफ मेरा दिल है, दूसरा तरफ मेरी दूसरी तरफ जो है मेरी परिस्थितियां हैं, मेरी समस्याएं हैं, मेरे प्रॉब्लम्स है ना। तो इनको जो है कन्फ्यूजन में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो प्यार तो आपका सच्चा है गाइस, प्यार आपका भरा हुआ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये इंसान आपको प्यार नहीं करता। इस इंसान ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है हालात के सामने घुटने टेक दिए हैं, ठीक है। और ये इंसान अभी भी आपको पाना तो चाहता है ना, आपको मांग भी रहा है, पर अभी भी देखिए कैसे कैसे बनाए ये रिश्ता, कैसे शादी तक पहुँचे, कैसे इनके सामने जो है प्रपोजल करे, कैसे इनको प्रपोज करे, है ना। ये सारी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें इस इंसान को समझ में नहीं आती, रास्ते इस इंसान को दिखाई नहीं दे रहे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी जस्टिस का कार्ड आया है। अब ये कार्ड क्या बता रहा है, ये भली भांति ये इंसान जानता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, आपके साथ ना इंसाफी हुई है, आपको धोखा दिया गया है ना, जस्टिस इन्होंने नहीं किया आपके साथ, आपके भरोसे को तोड़ा है ना। न्याय का कार्ड तभी आता है जब भरोसा टूटता है, और जो यहाँ पर ऑलरेडी टूट चुका है। तो आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये इंसान शर्मिंदा नहीं है आपको दर्द देकर, आपको दूर करके? ये इंसान शर्मिंदगी से भरा हुआ है गाइस, है ना। इनके दिल में इतना दर्द है, इतनी तकलीफें हैं, इतना चोट है ना, जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। थ्री ऑफ सोर्ड्स आ गया, आप खुद सोच लो कि इस इंसान के दिल में कितना दर्द है ना। जिनकी बातें ये इंसान हमेशा सुनता रहा, जिनके इशारों पर ये इंसान हमेशा चलता रहा, उन लोगों के बीच में आपके पोर्शन आज खुश नहीं है। उन्हें आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी तलाश है, पर फिर भी ये इंसान जो है कन्फ्यूजन में है कुछ चीज़ों को लेकर। पर फ्यूचर ऐसा नहीं है, फ्यूचर में देखिए इस इंसान ने ठान ली है कि मुझे कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने हैं, मुझे कोई ना कोई रास्ता अपनाना है, मुझे हिम्मत दिखानी है, मुझे जो है सक्सेसफुल होना है, और मुझे इस इंसान को पाना है। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी ये इंसान कर रहे हैं, ये इंसान दुआएं करते हैं, ये इंसान प्रेयर्स करते हैं, ताकि इनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। जो दर्द इनको मिल रहा है, उस दर्द में इस इंसान को नहीं रहना है गाइस। तो आपके लिए मुझे बहुत प्यार नज़र आया है गाइस, पर प्यार तो आपका ज़्यादा है गाइस, ये बात तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि आपका प्यार है ना इतना प्योर है, इतना डेडिकेटेड वाला प्यार आपका है। क्योंकि जब भी मैं आपकी रीडिंग्स करती हूँ ना, तो ज़्यादातर टू ऑफ सोर्ड्स नहीं आता आपके रीडिंग में, ये पार्टनर साइड में ज़्यादा आता है ना। तो ये कार्ड अगर ना आए ना गाइस, तो रीडिंग बहुत शानदार होती है ना। तो ये कार्ड के आने का मतलब ही है कि अभी अभी भी थोड़ी सी समस्या है रिलेशनशिप में, अभी वो समय नहीं आया है जब ये आपको अपना बनाएंगे, ठीक है। पर भविष्य बहुत अच्छा नज़र आया है, जहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में जो है टेन ऑफ कप्स, यानी कि आपके साथ घर बनना नज़र आता है, तो वहीं पर आपको इंसाफ देना भी नज़र आता है। और ये इन दो सपनों को पूरा करने के लिए इंसान को हिम्मत दिखानी पड़ती है, और वो हिम्मत वाला कार्ड भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो गाइज़ ये है इनकी
डीप और सीक्रेट फीलिंग्स जो मुझे नजर आई है। क्या आपको ये रीडिंग समझ में आई कि आपके पर्सन किस स्टेज में है, आपके पर्सन किस कंडीशन में है ना? तो यही थी गाइस इनकी भावना है, और ये मत सोचना कि ये आपको भूल चुका है या भूल चुकी है, ये आपको बिल्कुल नहीं भूला है। यहाँ तक कि इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि आपके अलावा ये इंसान दूसरों के बारे में फील नहीं करता जितना ये आपके बारे में फीलिंग्स रखता है, जितना आपके बारे में सोचता है ये इंसान दूसरों के लिए इतना फील नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या है मैसेजेस। वाह वाह, ये हुई ना बात गाइस, ये हुई ना बात। देखिए, बहुत जल्दी तैयार हो जाओ उस गुड न्यूज के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, पार्टी करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, है ना? यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड साईं बाबा ने आपको भेज दिया है गाइस। ऑसम ऑसम ऑसम। देखिए, गुड न्यूज, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। गुड न्यूज के लिए तैयार हो जाओ, अच्छी खबर सुनने के लिए तैयार हो जाओ, और सेलिब्रेशन करने के लिए तैयार हो जाओ, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। वाओ, साईं बाबा की तरफ से ये संदेश आ गया है। तो हो सकता है कि वो वक्त आ गया है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, आपको पाने के लिए, और इस कंफ्यूजन से निकलने का वक्त इनका आ चुका है। ठीक है, तो गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, साईं बाबा ने ये आपको संदेश दे दिया है ना? आप किसी के संदेश की ज़रूरत नहीं है गाइस, है ना? तो गेट रेडी फॉर सेलिब्रेशन, है ना? ये रीयूनियन के लिए जो है तैयार हो जाओ, पैचअप के लिए तैयार हो जाओ, है ना? कम्युनिकेशन के लिए तैयार हो जाओ, मिलने के लिए तैयार हो जाओ, ब्लॉकेजेस हटने का जो है हटने के लिए तैयार हो जाओ गाइस, जो आपके रिलेशनशिप में है, क्योंकि आप दोनों सेलिब्रेट करते हुए नजर आए हो। वाओ ऑसम। तो गाइस ये थी आपकी पार्टनरशिप की रीडिंग, कितनी रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट करके बताना, आपकी फीलिंग्स कितनी रेजोनेट हुई है ये भी कमेंट करके बताना गाइस। इतना कहते हुए मैं अब रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना भरोसा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, CEGILJQNRUTWRZ, यानी कि हमारा धमाकेदार पायल नंबर 2 विथ व्हाइट रिंग। ठीक है, चलिए गाइस, सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपकी छुपी हुई भावनाएं, आपकी गहरी भावनाएं इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए कैसी कैसी चल रही है। ठीक है, परिस्थितियां आपके जिंदगी में कैसी चल रही है ना? तो क्या सीक्रेटली, यानी कि छुप छुप के, है ना, किसी को पता नहीं चलेगा इस अंदाज में, है ना, कैसे चीजें आप फील करते हो देखते हैं। आज आपकी चोरी पकड़ने वाली हूँ मैं गाइस। ठीक है, आपके मन के अंदर जा रही हूँ। कमेंट करके बताना कि आपकी भावनाएं कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है। अगर आपकी मैच होगी तो आपके पर्सन की भी डेफिनेटली मैच होगी, है ना? छह कार्ड्स यहां से निकालेंगे और दो तीन कार्ड्स दूसरे डेक से निकालेंगे गाइस। हर्मिट, फाइव ऑफ सोर्ड्स। आपकी पर्सनल लाइफ कुछ अच्छी नहीं नजर आ रही है मुझे गाइस। मुझे लगता है आप बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हो, है ना? आपको किसी से ढंग से बात करना भी पसंद नहीं होता, है ना? कोई आपको नहीं समझ पाता, आपको ऐसा लगता है कि ना दोस्तों से बन रही है, ना फैमिली से बन रही है ना? द्वंद सा चल रहा है आपकी जिंदगी में, ऐसा नजर आता है गाइस। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है आपकी जिंदगी में ना, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है। एट ऑफ कप्स, और इसके पीछे की वजह भी नजर आ गई है, एट ऑफ कप्स। स्टार, ओ माय गॉड, दो कार्ड्स और निकालेंगे। वाव, हेरोफेंट,
एज ऑफ वैंस और बॉटम ऑफ द डेक में निकल कर आया है सिक्स ऑफ कप्स। वाओ, चलिए तो ये रहे 6 कार्ड जो मैंने निकाले हैं इस डेक से। अब इस डेक दूसरे डेक का इस्तेमाल करके 3 कार्ड यहाँ से निकालूंगी गाइस, ठीक है। दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जी हाँ बिल्कुल यही है आपकी रीडिंग, आपकी इबादतों में, आपकी दुआओं में, आपके प्रेयर्स में, आपके मैनिफेस्टेशन में, आपके मेडिटेशन में ना, यही है आपकी, यही है आपकी धड़कनों में भी यही है, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। बिल्कुल इस एक लाइन से समझ जाओ कि आपकी रीडिंग क्या है, आपकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, समझ गए। अब मुझे और कार्ड्स निकालने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि आपकी धड़कनें किसके लिए धड़कती है। कुछ कार्ड्स उलट गए थे ऐसा लग रहा था, मुझे नजर नहीं आ रहा। चलिए अरे भाई, सेवन ऑफ वैंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। आपके इस दो किंग को देखकर तो, और आपके इस दो किंग को और हर्मिट को देखकर है ना, एक गाना मुझे और याद आ गया, खामोशियां आवाज है तुम सुनने तो आओ जरा। बिल्कुल यही, खामोश खामोश खामोशियां, चुप्पी, मन की बातें मन के अंदर है, भावनाएं कोई नहीं समझ रहा, दर्द को कोई नहीं समझ रहा, जिंदगी में तूफान सा चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, मन में अशांति मची हुई है, शांति की तलाश है ना, सुकून चाहते हो, वो सुकून मिल नहीं रहा, अकेलापन है ना, यही सारी चीजें तो है गाइज आपके रीडिंग में, और मैं आपको क्या कहूँ गाइज। चलिए अब आपके साइनर एलिमेंट मैं यहाँ पर नहीं बताती क्योंकि आपके पार्टनर की जब रीडिंग करूंगी तब वहां पर साइनर एलिमेंट पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, आपके सीक्रेट फीलिंग्स में क्या है, आपके सीक्रेट फीलिंग्स में मुझे बस यही नजर आ रहा है गाइस कि किसी को शिद्दत से चाहते हो, किसी को शिद्दत से पाना चाहते हो, पाना चाहते हो, पाना चाहते हो, यही है आपके सीक्रेट फीलिंग्स में। और उस इंसान को जो आज आपके साथ नहीं है, जो आज आपसे चला, आपसे दूर हो गया है, जिसे आपने खो दिया है, जिसे आपने गुमा दिया है, जिसका प्यार आज आपके साथ नहीं है, उसी प्यार को पाने के लिए शिद्दत से शिद्दत से शिद्दत से ऊपर वाले के साथ दुआएं कर रहे हो, हर पल हर वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यही है आपका, मतलब आपका दिन शुरू होता ही है इसी उम्मीद से कि चलो आज नहीं तो कल है ना, मेरे पार्टनर और मेरे बीच में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, हम दोनों का रिलेशनशिप फिर से बन जाएगा, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, लड़ाइयाँ रही है, झगड़े रहे हैं, उन सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा और आपके पार्टनर जिस तरीके से चले गए हैं उसी तरीके से जो है वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। तो आपने मन्नतों में मांगा ही यही है गाइस। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपने धन दौलत, पैसे, रुपए, गाड़ी, बंगला, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो उदासी मुझे नज़र आ रही है ना, वो उदासी, वो अकेलापन, वो मायूसी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस प्यार के खो जाने की वजह से है गाइस, जो आपके पास अभी नहीं है, है ना। तो इन्हीं को क्या आप मन्नतों में मांग रहे हो, इन्हीं को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, क्योंकि आपको लगता है इससे अच्छा वरदान, इस इंसान से बेहतर इंसान, इस इंसान के रिश्ते से बेहतर रिश्ता मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। तो आप के लिए तो ये इंसान जैसे हीरा है, हीरे मोती से भी शायद आपके लिए ये इंसान इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इतना ज़्यादा वैल्यू आपने इस इंसान को दे रखा है, और जो आज आपके साथ नहीं है तो आपने अपनी ज़िंदगी की हालत ऐसी बना रखी है, यानी कि आइसोलेशन में हो, है ना। ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि आपको उम्मीद नहीं है, आपको अपने आप पर और अपने आप अपने प्यार पर बहुत भरोसा है ना। आप जानते हो कि एक ना एक दिन जो है मेरी मन्नतें रंग लाएगी, एक ना एक दिन मेरी पुकार ऊपर वाला सुन लेगा, एक ना एक दिन जो है मेरी भक्ति जो है रंग लेकर आएगी और मुझे
फिर जो है जिंदगी जीने का एक उद्देश्य मिल जाएगा। ऐसे ही चाहते, ऐसी ही उम्मीदें, ऐसा ही सपना मुझे जो है आपका नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो गाइज, आप जो भी हो ना गाइज, आप ऊपर वाले पर बहुत आपका यकीन मुझे नजर आता है ना, कि आप शायद भले ही इंसान पर यकीन ना करो पर आपको अपने ऊपर वाले पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो आपकी आवाज को सुनेगा, वो आपके दर्द को सुनेगा, वो आपकी तकलीफों को सुनेगा और आपको इन दर्द तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। कई लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये नजर आती है गाइस कि आप इस इंसान को ना चाहे किसी भी तरीके से आप इनके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, यानी कि आप इस इंसान को इतना ज्यादा चाहते हो, इनके तरफ से कोई ना कोई ऑफर्स का आप इंतजार करते हुए नजर आए हो गाइज यहाँ पर, है ना। हो सकता है कि कई लोगों का यहाँ पर दोस्ती का रिश्ता पहले रहा हो, दोस्त थे आप लोग, साथ पढ़ते थे, काम करते थे, दोस्तों के जरिए मिले हो, सोशल साइट्स पर मिले हो, है ना, ऐसा भी एनर्जी नजर आता है। पर शिद्दत से जो है इस इंसान को चाहते हो आप, इस इंसान के प्यार का, ऑफर का आप जो है इंतजार करते हुए मुझे नजर आए हो। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि कुछ लोगों को तो शायद दोस्ती का ऑफर भी मिला है आपके पार्टनर की तरफ से, और मुझे लगता है कि आपने एक्सेप्ट भी कर लिया है ना, कि चलो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो दोस्त बनकर रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ नहीं। हो सकता है कि इनकार भी कर दिया हो। तो जो भी हो गाइज, आप इस इंसान को अपना अच्छा दोस्त मानते हो, आप इस इंसान को अपना हमसफर मानते हो, आप इस इंसान को अपना सब कुछ मानते हो। आपने तो यहाँ तक मैनिफेस्ट किया है, आपकी मैनिफेस्टेशन में और क्या है ये बता दो। आप जो यहाँ मन्नत मांग रहे हो ना, उस मन्नत में इस इंसान के साथ मैरिज तक आपने मांगी है कि मुझे इन्हीं के साथ शादी करनी है, इन्हीं के साथ जिंदगी बितानी है, अगर ये मैं इनके साथ मेरी मैरिज नहीं हुई है ना, तो मुझे किसी और के साथ नहीं जाना, मुझे किसी और के साथ रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे किसी और के साथ मैरिज नहीं करना है ना। तो इस मैरिज के लिए भी जो है आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नजर आए हो गाइज। आप और आपके पार्टनर में पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्कशंस होते थे। आपने हमेशा हार मानी है अपने पार्टनर के सामने, यू नो, उनकी चाहे आपकी गलती हो चाहे आपकी गलती ना हो, आप हमेशा झुके हो, है ना, पर ये इंसान हमेशा आपको झुकाता ही गया। तो आपने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की क्योंकि आप इनसे सच्चा प्यार करते थे, आप इनको खोना नहीं चाहते थे, है ना। और अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि आप इनको बहुत ज़्यादा कोशिशें आपने लगा रखी है। यहाँ पर सेवन ऑफ वैंड्स दिख रहा है मुझे, जो बताता है कि किस हद तक जो है अभी भी आपको इग्नोर किया जा रहा है ना। आप इन्हें इतना प्यार करते हो ना कि आप इनकी यादों से अपने आप का पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हो, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो इग्नोर कर देते हैं, मैसेज करते हैं करते हो आप, आपको इग्नोर कर देते हैं, आपको जो है बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे, आपको वैल्यू नहीं दे रहे, आपको और दूर और दूर और दूर कर रहे हैं, और आप इनसे जो है कनेक्टेड होना ही चाहते हो, आप कोशिशें कर रहे हो, पर बदले में आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस, है ना। तो तकलीफें आपको दी जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खामोश से आप हो गए हो गाइस, चुप चुप से रहने लगे हो, गुमसुम से रहने लगे हो, किसी से बात भी करते हो ना तो आपको आपको जो है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, आपको किसी के साथ बातचीत करने का भी मन नहीं होता। तो खामोशी ही एक ऐसी चीज नजर आ रही है जो आपने अपनी जिंदगी में जो है एक यू नो अहम हिस्सा आपने खामोशी को ही बना लिया है। देखिए एम्परर और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दोनों ही कार्ड आया है, यानी कि दिल इतना मजबूर आपका हो चुका है ना कि दिल के मजबूर होने के बावजूद भी गाइज आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आपको ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाकर छोड़ दिया गया है ना, खामोश बनाकर छोड़ दिया गया है ना। आप दिखाने को अपना दूसरा चेहरा दिखा रहे हो लोगों के सामने, है ना, बल्कि जबकि आपके अंदर कुछ और ही चल रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द चल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफें चल रही है, मायूसी चल रही है गाइज, है ना। और आप जो है किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से ऊपर वाले की तरफ आपने अपनी निगाहें झुका हुई है, झोली जो है आपने झुकाई हुई है गाइज। इतना ह्यूमिलिएशन होने के बाद भी, है ना, इतना तड़पाया जो गया है आपको, इसके बावजूद भी गाइज कोई इंसान अगर किसी को इतनी शिद्दत से पाना चाहता है तो मैं समझ सकती हूँ कि आपने इससे कितना प्यार किया होगा। आपके प्यार की कोई कदर हुई ना हुई गाइज, पर मैं कदर करती हूँ, मैं समझती हूँ कि आपके मन में इस इंसान के लिए कितना रिस्पेक्ट है, आज भी रिस्पेक्ट है गाइज। आप नहीं चाहते कि इस इंसान की जिंदगी में कुछ भी बुरा हो, है ना, आप अभी भी प्रेयर्स करते हो कि इनकी ज़िंदगी में सब सारी चीज़ें अच्छी हो जाए, आपके प्यार की समझ इस इंसान को हो, इस इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, है ना, ये इंसान बदल जाए, ये इंसान सुधर जाए, ये इंसान ईगो से हट जाए, इस इंसान का घमंड टूट जाए, है ना। यही सारी, यानी कि इनके साथ ही, है ना, आपकी सारी दुआएं इनके साथ ही शुरू हो रही है और इनके साथ ही ख़त्म हो रही है ना। इनकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हो, बरकत हो, है ना, इनकी लाइफ में जो है अवेकनिंग हो जाए, इनका और मेरा रिश्ता
अच्छा बन जाए, ये इंसान जैसे गया है वैसे ही वापस आ जाए, इनके साथ मेरी मैरिज हो जाए, ये जो है मुझे वैल्यू देना स्टार्ट करे, मुझे प्यार करना शुरू करे, है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपकी मन्नतों में मुझे नजर आई है गाइस, क्योंकि आप इनसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो और मैरिज ही आपके मैनिफेस्टेशन की मेन वजह नजर आ रही है। और इनको स्टॉक करना, इनके बारे में पूछताछ करना, इनकी तस्वीरों को देखना, है ना, इनके चैट्स को देखना, इनको इनके फ़ोन नंबर्स को ट्राई करना, इनको मैसेजेस करना ट्राई करना, दोस्तों से इनके बारे में पूछताछ करना, यही सारी चीज़ें तो है गाइज जो आप अपने इस अकेली ज़िंदगी में कर रहे हो। क्या मैंने सही कहा है गाइज? अगर सही कहा है तो मुझे कमेंट करके बताना गाइज, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कमी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यार की और इस इंसान की ही मुझे नज़र आती है गाइज। तो आपके सीक्रेट और डीप फीलिंग्स में सिर्फ यही जज्बात नज़र आए हैं गाइज। अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से रीडिंग करूँगी, उसमें देखते हैं कि कितनी फीलिंग्स मैच होती है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। तो अगर ये फीलिंग्स रेजोनेट हुई है तो कमेंट करना मुझे, ठीक है गाइज। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए रीडिंग करते हैं। जैसे आपका मैंने निकाला है गाइस, वैसे ही 6 कार्ड इस डेक से निकालूंगी और 3 कार्ड दूसरे डेक से निकालूंगी और साथ में साईं बाबा का गाइडेंस भी हम निकालेंगे रीडिंग के लास्ट में, ठीक है। वाव, ऑसम, क्वीन ऑफ कप्स, वाव मैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये इंसान बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, या फिर एकदम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एम्बिशियस है ये इंसान कैरियर को लेकर, पैसे रुपए को लेकर, है ना, जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों आते हो आप? जब भी पार्टनर साइड रीडिंग करती हूँ तो ये 2 का कार्ड निकल कर आता ही है। काश कभी तो ऐसा हो कि ये 2 का कार्ड निकल कर ना आए और 2 के कार्ड के साथ वजह भी निकल कर आ गई। माते रानी, बड़ी सयानी, थर्ड पार्टी, मदर इश्यू यहाँ पर होने के चांसेस बहुत है। पाइल नंबर 2, आपकी सास को आप पसंद नहीं हो। जी हाँ, मैं तो डायरेक्ट बोलती हूँ गाइस, देखिए आपकी जो होने वाली फ्यूचर मदर इन लॉ है, ये है ना, उन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं हो। जी हाँ, खोया खोया चांद, खुला आसमान। गाइस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो चलिए अब यहां से 3 कार्ड और निकालेंगे। इस इंसान के सीक्रेट फीलिंग्स में क्या है? मुझे तो लगता है ये पर्सन जो है ना, देखिए किस तरीके से माते रानी को ना, आपकी सास को दो दो टू टू की एनर्जी ने घेर के रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके पर्सन किस तरीके से फंसे हुए हैं, आप अगर देख पाओगे इनको, है ना, तो फैमिली बहुत बड़ा झमेला कर रही है।
1000% फैमिली का इश्यू है, क्योंकि 10 का कार्ड ऊपर आया है, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड नीचे आया है और दोनों तरफ दो दो ने घेर रखा है। आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ है। ये हुई ना बात गाइस थर्ड पार्टी की, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अब आपके पोर्शन थर्ड पार्टी को जो है बहुत जबरदस्त झटका देने वाले हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है, लियो की एनर्जी मिली है हमें, यानी कि शेर का जिगर, दूसरों से लड़ने की क्षमता, दूसरों को ना कहने की क्षमता, दूसरों के खिलाफ जाकर आपको अपनाने की चाहत है। स्ट्रेंथ, वाह, कुछ तो अच्छा नजर आया कुछ तो बेहतरीन नजर आया इनकी फीलिंग्स में। ऑसम, ले कर ले बात भाई, किंग ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ कप्स। चलो आप तो निकल गए, कपल की एनर्जी निकल कर आई है, वाइफ हस्बैंड की एनर्जी निकल कर आई है, ब्यूटीफुल कनेक्शन निकल कर आया है, वो भी क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है भाई। मैंने कहा था ना आपको कि आप लोग पति पत्नी हो, और मैंने शुरुआत में ही जब ये कार्ड नहीं आए थे तभी मैंने कहा था कि आपकी सास आपको पसंद नहीं करती या फिर आपके पार्टनर की सास उनको पसंद नहीं करती, ठीक है। तो सास का यहाँ पर मदर इन लॉ का बहुत बड़ा झमेला है गाइस। टावर, और बॉटम में भी देख लीजिए क्या निकल कर आ गया, देख लीजिए गाइस। तंत्र मंत्र, जादू टोना, बातों को छुपाना, हिडन फीलिंग्स, ये सारी चीजें चल रही है। तो चलिए फटाफट से रीडिंग करते हैं, स्टार साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लियो की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है आज की रीडिंग में, उसके अलावा गाइज यहाँ पर पैंटेकल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा नजर आ रही है। अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि, उसके बाद वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृषिक मीन राशि, एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ राशि, और फायर साइन से लियो की एनर्जी सबसे ज्यादा मजबूत निकल कर आई है, ठीक है। तो चलिए क्या है इस इंसान की सीक्रेट फीलिंग्स में और क्या है इस इंसान की जिंदगी में डीप फीलिंग्स क्या है, तो मैं बता दूं, जो भी इंसान है बेचारा इंसान ही कहूंगी, है ना, क्योंकि एक तरफ इनका प्यार है, दूसरा तरफ इनके परिवार है ना, एक तरफ फैमिली प्रॉब्लम्स है, दूसरी तरफ कास्ट का प्रॉब्लम है, एक तरफ धर्म का प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ ट्रेडिशन का प्रॉब्लम है, एक तरफ पैसे रुपए का जो है कुछ चक्कर चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, है ना, तो वहां पर दूसरी तरफ आपका प्यार है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं दो भागों में बट गया है, आपका ये पोर्शन है ना, इनका जैसे बंटवारा सा हो गया है ऐसा नजर आता है, क्योंकि आप देखिए इनकी एनर्जी में कितने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर निकल कर आए हो, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, यानी कि ये बंदा या बंदी आपको अपना जीवन साथी, यहां तक कि इस इंसान ने तो आपको अपना सब कुछ मान रखा है, ठीक है, सब कुछ, यानी कि इन्हें अगर कोई पार्टनर चाहिए जिंदगी में, जिनके साथ इनको घर बसाना है, जिनके साथ इनको खुशियां बांटनी है, जिनके साथ इनको बाल बच्चे चाहिए, जिनके साथ इनको एक खुशहाल जिंदगी चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, आपको ये अपना मानते हैं, इस कदर अपना मानते हैं ना गाइस कि ये आपके नहीं सोच पा रहे किसी के भी बारे में, है ना, मतलब अगर लाइफ पार्टनर की बात होती है तो इन्हें सिर्फ आप नजर आते हो, ठीक है, आपके अलावा कोई और नहीं। तो मन में जो है इनकी सीक्रेट फीलिंग्स में आप इनके सोलमेट हो, आप इनके लाइफ पार्टनर हो, आप ही वो शख्स हो जिनके साथ ये अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। पर यहाँ पर क्या चल रहा है गाइज, मैंने कहा ना कि यहाँ पर वो चीजें चल रही है जिसके वजह से इस इंसान का ना बंटवारा सा हो गया है ना। हो सकता है कि इनकी फैमिली को आप बिल्कुल पसंद नहीं हो, मुझे ज्यादा एनर्जीज फैमिली की ही नजर आई है, क्योंकि देखिए ना इनकी फैमिली कितनी लालची टाइप की है, देखिए यहाँ पर पैंटिकल्स 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 पैंटिकल्स, यानी कि बहुत लालची फैमिली से आपका पाला पड़ा है गाइस। फाइल नंबर 2, जो पैसे रुपए के सामने किसी चीज को मायने नहीं करती, प्यार तो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इन्होंने आपके पोर्शन को कंट्रोल करके रखा है, इनके दिमाग को कंट्रोल करके रखा है, इनकी जिंदगी को कंट्रोल करके रखा है, और इस इंसान की चाहत होते हुए भी, है ना, आपको अपना बनाने की चाहत रखते हुए भी इस इंसान को ये रिश्ता कहीं ना कहीं बीच में ही रोक देना पड़ा। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है,
अब ये कार्ड बता रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है ना, पर उम्मीदें अभी भी है आपके पोर्शन को कि ये रुका हुआ रिश्ता एक ना एक दिन जो है ऊपर बढ़ेगा, ग्रो होगा, हम दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। और इस रिलेशनशिप का मुकाम क्या है जानते हो गाइस? इस इंसान ने आपके साथ क्या देखा है? इस इंसान ने आपके साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप देखी है ना, ये आपके साथ सक्सेसफुल होना चाहती। इनके मन में ना थर्ड पार्टी के लिए एक दहशत है, प्यार नहीं है, ये आप क्लियर हो जाइए। ये इंसान दहशत में है, इनके इन लोगों के खिलाफ नहीं जा पा रहे, इन लोगों के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं, पर ये एक प्रेशराइज सिचुएशन मुझे नज़र आता है ना, दबाव मुझे नज़र आता है ना, कि अपने दिल को मार कर इस इंसान ने रिश्ते को रोका है, क्योंकि इस इंसान को अपनी मनमर्जी करने की या तो छूट नहीं थी, इनको फ्रीडम नहीं थी, और या तो इनको बहुत ज़्यादा आपसे अलग होने की हिदायतें दी गई है। तो देखिए कितना कसम-कसम है ये इंसान, देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स इधर, टू ऑफ सोर्ड इधर, कन्फ्यूजन में है, समझ में नहीं आता कि अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करे। कई बार इस इंसान ने कई बार इस इंसान ने कोशिशें भी की होगी गाइस थर्ड पार्टी को मनाने की, आपके बारे में फैमिली से बात करने की, है ना, पर ये इंसान नाकाम रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं समझ पा रहे आपके पोर्शन के फीलिंग्स को, नहीं समझ पा रहे इनको, बस इनसे कुछ ना कुछ एडवांटेज चाहिए। ठीक है, एडवांटेज के लिए ही आपके पोर्शन का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, है ना। इनको नहीं फर्क पड़ता कि आपके पोर्शन रोए चिल्लाए, है ना, इनके सामने अपनी फीलिंग्स बताए, इन लोगों को कोई फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए प्यार नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो ऐसे बहुत ही सख्त लोगों के बीच में आपके पोर्शन का जन्म हुआ है, ठीक है, जहां पर मदर इश्यूज बहुत नजर आई है, या तो ये माता के अपने माता के बहुत लाडले है, या फिर माता ने इनको अपने मदर ने इनको अपने कंट्रोल में कर रखा है, ऐसे सिचुएशन में घिरा हुआ इंसान है गाइस, जहां पर एक तरफ तो दिल है और दूसरी तरफ जो है परिवार है ना, तो दोनों में ही चुनना इस इंसान को बहुत तकलीफ देह हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, यानी कि ये इंसान कई बार तैयार भी करता है, कई बार अपने आप को आपकी तरफ लाने की कोशिश भी करता है, पर कहीं ना कहीं ये इंसान अपने आप को रोक देता है। तो इस तरीके से ये इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ मुझे नजर आता है। और एक बात मैं बता दूंगा, इस टावर का कार्ड आ गया, तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत भयंकर कुछ हुआ है, ऐसी चीज़ें हो चुकी है ना, जिसके वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, जिसके वजह से आप दोनों आज जुदाई महसूस कर रहे हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, है ना। और ये टावर का कार्ड मुझे लग रहा है कि आपके पोर्शन की सीक्रेट फीलिंग्स में है, डीप फीलिंग्स में है, इसका मतलब है कि इनकी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, कुछ तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, कुछ ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ चीज़ है जो बिखर गई है, फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, कैरियर को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी कि आपके चले जाने के बाद इस इंसान की ज़िंदगी आसान नहीं है, इस इंसान को बहुत बड़ा धक्का लगा है, इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायूसी है। एक तो आपको खो देना सबसे बड़ी मायूसी ये है ना, दूसरा जो है प्रॉब्लम से घिरा होना, है ना, जहाँ पर रास्ते इस इंसान को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो प्यार होते हुए भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये इंसान अपने जज्बात आपको नहीं बता रहा, एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहा। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ गया गाइस। अब हाई प्रिस्टेस को आप कैसे डिफाइन करोगे, अब क्या बोलूं मैं आपको, है ना, मैंने कहा ना कि लोग आपके खिलाफ है गाइज, लोग नहीं चाहते, लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है टेन ऑफ पेंटिकल्स हो, यानी कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप आप दोनों का हो। इसके पीछे तो जैसे कि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। अब ये एनर्जी, ये दुश्मनी जो है कि आपकी तरफ से निभाई जा रही है, यानी कि आपके रिलेटिव से, फैमिली से, या कोई दोस्तों के जरिए हो रहा है ना, पड़ोसियों के जरिए कर रहे हैं, या आपके पार्टनर की साइड से कुछ लोग बहुत ही बुरे है गाइज, जो नहीं चाहते आप दोनों को सक्सेसफुल होता हुआ देखना। तो इन्होंने सब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया आप दोनों को अलग करने में, और ये सक्सेसफुल हो भी गए। तो ब्लैक मैजिक भी हुआ है, ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी हुई है, तो साथ में कुछ फैमिली का मैटर भी यहाँ पर चल रहा है। पर अच्छी बात यहाँ पर ये नजर आई है गाइस कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रहा है, यानी कि ओवर थिंकिंग इस इंसान की चल रही है। अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि इस इंसान ने ना अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। आप ये मत सोचना कि थर्ड पार्टी की बातें सुनकर रिलेशनशिप अभी रोक दिया है, तो इसका मतलब ये रुका हुआ है ना, खत्म थोड़ी हुआ है ना। ये इंसान तो अभी भी सोच रहे है ना, आपको सोच रहे हैं, आपके और इनके रिलेशनशिप को सोच रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए देखिए यहाँ पर तैयार तो हो गए हैं, बस कदम नहीं बढ़ाया है, यानी कि ओवर थिंकिंग ये इंसान कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ये चीज़ों को मिलाना चाहते हैं, ये जो है कोई ना कोई तरकीब
निकाल रहे हैं गाइस आपको अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, ठीक है। तो दो दो पलड़ा यहाँ पर जो नजर आता है, अगर एक होता ना तो मैं कह देती कि इन्होंने थर्ड पार्टी की बातें सुन ली, अब आपको पसंद नहीं करते, पर यहाँ पर इन्होंने दोनों ही तलवार पकड़ रखी है, यानी कि ये रिस्क लेना चाहते हैं, है ना, ये रिस्क लेना चाहते हैं। इनके लिए ये रिलेशनशिप थमा है, अभी टूटा नहीं है, इनको अभी भी होप नजर आ रही है, इनको अभी भी उम्मीद नजर आ रही है इस रिलेशनशिप में, और ये इंसान इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला गाइज, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाला। मैं ये दावे के साथ आपको कह दूं कि हाँ, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है आपकी, है ना। इतना आसान आपका रिलेशनशिप नहीं होने वाला, आप सोच रहे हो उतनी आसानी से आप दोनों का मिलन तो नहीं होगा, पर यहाँ पर ये तो नजर आया है ना कि मिलन होगा, सक्सेसफुल लव स्टोरी बनेगी, सक्सेसफुल फैमिली बनेगी, सक्सेसफुल कैरियर बनेगा यहाँ पर आप दोनों का, जहाँ पर खुश आप लोग रहोगे, और इन लोगों को भी आप दोनों के रिश्ते को मंजूरी देनी ही होगी। पर इन सारी चीज़ों को होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जिस अंदाज से थर्ड पार्टी यहाँ पर घुसी हुई है ना गाइज, इतना आसान नहीं होता है जितना आपको देखने में लगता है। देखिए, आने वाला जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में जो है अभी तक नजर आया है कि आपके पोर्शन बहुत इनके गुलाम से बने हुए हैं, इन लोगों की बातों में आ गए हैं, चाहे इनके ब्रेन को वॉश किया गया, इनके दिमाग में गलत फहमियाँ डाली गई, या कुछ भी है ना गाइस, आपको आपसे अलग किया है, पर बहुत जल्दी ये अंधेरा छटेगा, ठीक है। ये जो गलत फहमियाँ इनके मन में है ना आपको लेकर, है ना, इस गलत फहमी से और इस कन्फ्यूजन से आपके पोर्शन डेफिनेटली निकलेंगे, और ऐसे लोगों के खिलाफ ही आपके पोर्शन जाएंगे। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर आया है, यानी कि ये हिम्मत करेंगे गाइस, ये अपने आप को फाइनेंशियली भी स्ट्रांग करेंगे, ये इंसान इन लोगों के सामने आपको जो है आगे फेस टू फेस इंसान आपको इनके सामने लेकर आएंगे। इस तरीके से जो है ये इंसान प्लानिंग्स बना रहे हैं, ये इंसान जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग ये इंसान कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ये आपके कनेक्शन से दूर नहीं जा पा रहे हैं, ये आपको लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको अपना मान रखा है। जो भी हुआ है यहाँ पर दूसरों की करतूते हैं गाइस, और ये इंसान थोड़ा सा हिम्मत में कमज़ोर पड़ता हुआ मुझे नज़र आया है, पास्ट में हिम्मत नहीं कर पाया, लोग ही कुछ ऐसे हैं इनके सराउंडिंग्स में, इनकी कंपनी में, इनके फैमिली में, ना जिनके जिनके आगे इनकी कुछ चलती नहीं है, ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है ये इंसान, है ना, ऊपर से तो बिल्कुल ब्लैक मैजिक ही कर रखा है कई लोगों के लिए। तो जो भी हो सिचुएशन, चाहे आपकी ये हो सिचुएशन, चाहे आपकी ये हो, है ना, पर यहाँ पर नजर तो आया है ना कि आपके पोर्शन और आपके बीच में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर ये इंसान वापस आना चाहता है, तैयार है गाइस, बस कदम बढ़ाने की यहाँ पर देरी नजर आई है, और आने वाले दिनों में ये इंसान वो हिम्मत जुटाएंगे, सभी से लड़ेंगे आपके लिए, और आपके आपको जो है वो जगह देंगे जिसके हकदार आप हो, यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, समझ गए। तो ये थी इनकी भावनाएं जो सीक्रेट फीलिंग्स में और डीप फीलिंग्स में मुझे नजर आई है। आपको अपना मानते हैं, कपल है, कपल हो आप दोनों गाइस, ये गाना सुनिए, एक लाइन समझ में आ जाएगा। तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो, तुम मेरे हो, बस मेरे ही मेरे हो। ये है आप दोनों की एनर्जी, और ये है आपका आने वाला फ्यूचर। चलिए साईं बाबा क्या कहते हैं देख लेते हैं। ओह वाओ, आज बहुत बेहतरीन मैसेज आया है। तो आपको ना तीन सी, सी होता है ना ABC, सी फॉर कैट, है ना, तो तीन सी को अपनी जिंदगी से खलास करना है, अपनी जिंदगी से आउट करना है। क्या है वो तीन सी, कौन सा है? कट, क्लियर, कैंसल। वाव, देखिए ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज्यादा सोचते हो, है ना, मेमोरीज जो बीती बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, बीती बातों में टावर आया है, बीती बातों में रिलेशनशिप रुका है ना, जो भी हुआ है गाइस, है ना, साई बाबा ने आपसे कहा है कि इन तीन सी को अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। कट, क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट, यानी कि जब तक आप बीती बातों से निकलोगे नहीं, उसे काटोगे नहीं, उसे साफ करोगे नहीं, उसे कैंसल करोगे नहीं, है ना, तब तक जिंदगी बहुत ही मुश्किल भरी होगी गाइस। तो इन तीन सी को अपनी जिंदगी से
स्टार्ट करना है, यानी कि पास्ट की बातों को भूलना है, आपको इन्हें माफ करना है, बीती मेमोरीज में नहीं जाना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जब आप इन तीन सी को अपनी जिंदगी से हटाओगे ना गाइज, आप फ्री फील करोगे, आप अपने आप को हील करने करोगे, ठीक है। तो इन सारी पास्ट की मेमोरी से निकलने के लिए जो है साईं बाबा ने आपसे यहाँ पर दरख्वास्त की है, आपसे जो है विनती की है, आपको जो है गाइडेंस दी है। तो मुझे आपसे ये कहना है और मुझे आपसे भरोसा भी है कि आप इन तीन सी को, यानी कि कट, क्लियर, कैंसल ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट, जिन चीज़ों को लेकर आपको दर्द महसूस होता है, उन तीनों चीज़ों को अपनी लाइफ से डिलीट कर देना है। सिंपल सी बात है, डिलीट इरेज, ठीक है, इन्हें हटा दो, है ना। और अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाओ, पॉजिटिव सोचो, है ना, कि जो होना है अच्छा होना है गाइस, ठीक है। तो आपकी ज़िंदगी में ये चल रहा है जो साईं बाबा जानते हैं, और साईं बाबा नहीं चाहते कि आप पुरानी बातों को लेकर रोना धोना करो, रोते रहो, है ना, तकलीफ में रहो, है ना। पास्ट की बातों से निकलने के लिए आपको गाइडेंस मिली है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग आपके पार्टनर साइड। आई होप आपको समझ में आई हो इनकी फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स की क्या महसूस करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर यही है, कहानी का जो सारांश होता है वो यही है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, है ना। यहाँ पर ये इंसान थोड़ा मजबूर नजर आता है मुझे, है ना, तकलीफ में नजर आता है, पर बहुत जल्दी इस इंसान में वो साहस आएगा, वो हिम्मत आएगा, है ना, कि ये सभी लोगों के खिलाफ जाकर आपको अपना बनाने की चाहते रखते हैं। इनकी गुप्त भावनाओं में यही है। तो आई होप आपको समझ में आई है। इतना कहते हुए गाइज अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।